स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में बात करूंगी एक और MBBS मेडिकल कॉलेज की। लास्ट वीडियो में कवर किया था उत्तराखंड का एक मेडिकल कॉलेज। आपको मैंने बताया था तीन ही मेडिकल कॉलेज है उत्तराखंड में प्राइवेट। लास्ट में कवर कर चुकी हूँ और सेकेंड वन में अभी कवर कर रही हूँ। तो नाम है कैंपस का श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। पॉपुलर नेम है इसका SGRRMC देहरादून। कॉलेज पटेल नगर देहरादून में है और एस्टैब्लिश हुआ 2006 में। ये बन के रेडी हो गया था एंड एफिलेटेड है श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी से एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय NCI एंड NMC बोथ। एंड इनटेक इनको आपको बता देती हूँ, इनके पास MBBS की 150 है। ये PG भी रन करते हैं, इनके पास 111 उनकी 100+ सीट्स है PG की। और PG के पास सुपर स्पेशलिटी एक कोर्स होता है DM, वो भी ये लर्न करते हैं। इनके पास उसकी भी 8 सीटें हैं। अब कैंपस का एरिया 35 एकर्स में कैंपस बना हुआ है। कैंपस में फैसिलिटी अब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कैंपस है। ऑब्वियसली सी बात है, देहरादून में है तो देहरादून के तीनों प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं और थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर हाई है अधर जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। फैसिलिटीज़ की बात कर रहे थे हम कॉलेज में, लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है, जिम है एंड हॉस्टल है, एनिमल हाउस है, डेमो रूम है, लेक्चर रूम है, कॉमन रूम है बच्चों के लिए, यहाँ पे TV लगा हुआ है। और आपको बता देती हूँ उसका फीस स्ट्रक्चर, स्टेट के बच्चों का अलग फीस स्ट्रक्चर है और मैनेजमेंट जो ऑल इंडिया के अदर स्टेट के बच्चे उत्तराखंड से अलग, उनका फीस स्ट्रक्चर अलग है। स्टेट का फीस स्ट्रक्चर है 10,75,800 रुपीज और ऑल मैनेजमेंट कोटा के बच्चों का फीस है 14,54,200 रुपीज। ये आपका पर ईयर फी जाएगा। और उसके बाद हॉस्टल उनका है 1,89,000 रुपीज हॉस्टल है उनका और मेस के चार्जेस अलग है 1,89,000 मेस के चार्जेस हैं। और एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग जाते हैं उसमें, लाइब्रेरी चार्ज जाते हैं, एग्जाम चार्ज जाते हैं, यूनिफॉर्म चार्जेस जाते हैं और आपके जो मैनुअल्स होते हैं उनके चार्जेस जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट फी जाती है, बहुत सारी चीज़ें जाती है। फर्स्ट ईयर ही जाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, नेक्स्ट ईयर से आपको फी एंड हॉस्टल देना है और मेस फी। बात करते हैं थोड़ा हॉस्टल के बारे में, आपको बता देती हूँ। हॉस्टल में 500 रूम्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, 500 स्टूडेंट्स के लिए अरेंजमेंट है राम से सेपरेटली बॉयज़ गर्ल्स का। ईच रूम में उन्होंने प्रोवाइड करे हुए हैं 2 बेड है, अलमीराज हैं 2 एंड 2 स्टडी रूम्स भी है विद सेपरेट चेयर्स। और आप अपना जो भी चीज़ें हॉस्टल में ले जाना चाहते हैं। और आउटिंग टाइमिंग इनकी जो है 7 से 8 बजे तक है बाहर जाने की। और भी हॉस्टल में और भी चीज़ें हैं कि अपना व्हीकल वगैरह वो आपको पूरा उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है। और आपको बता दें कि हॉस्पिटल के बारे में, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, 2006 में बना है हॉस्पिटल भी। पहले गुरु राम राय वाले का हॉस्पिटल मैं आपको बता रही हूँ, 700+ बेडेड हॉस्पिटल है इनका। डेली की जो एवरेज OPD है वो 1000+ ही है, 1200 से 1500 के अराउंड है OPD इनकी पर डे की, अच्छी OPD है। एंड कट ऑफ की बात करते हैं, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ इनकी गई थी 363 स्टेट कोटा वालों की। मैनेजमेंट ऑल इंडिया कोटा वाले में अगर 250+ स्कोर है आपको तो आपको इजीली मिल जाएगा बिकॉज इसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है। इसलिए सेकंड राउंड की गई थी 287 आपको बता रही हूँ। और आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको उत्तराखंड के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है या आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उत्तराखंड की जो काउंसलिंग होती है इन कॉलेजेस के लिए वो उत्तराखंड की स्टेट सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है, स्टेट की MCC की काउंसलिंग नहीं होती है, स्टेट की काउंसलिंग होती है, तब आप इसमें कॉलेजेस भर सकते हो। तो आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने मेरे को बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए एंड थैंक यू सो मच।